स्वागत है आपका सस्सी के किचन में। आज हम बनाएंगे हरेरा। हरेरा न्यू बर्दर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और लेडीज़ को पीरियड्स में आई हुई वीकनेस को भी दूर करता है और अनलिमिटेड जो पीरियड होते हैं उसको भी ठीक करता है। इसको बनाने के लिए हमने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के लिए हुआ है, गरी और मखाने, हमने इसमें गुड़ भी लिया हुआ है और तलने के लिए घी लिया हुआ है। इसमें मैंने काजू और बादाम 1 घंटे भिगोकर और पीस के रखा हुआ है। इसमें मैंने लिया हुआ है अजवाइन और जीरा, इसको भी 1 घंटा भिगोकर और पीस के रखा हुआ है। हम इसमें लेंगे सोंट पाउडर, हल्दी पाउडर और किशमिश। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई रखते हैं गैस पे और इसमें हम घी डालकर गरम करते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालकर ही एक एक चीज़ें भूनेंगे। अब हमारा घी मेल्ट हो चुका है, हम इसमें अपना ये कोकोनट डालकर भूनेंगे। ये देखिए इस ये कोकोनट सिर्फ हम 1 मिनट के लिए ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए बस इतना भूनना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा घी हम और डालेंगे। अब हम अपने इसमें मखाने डालकर भूनेंगे। अब ये हमारे मखाने भून चुके हैं, अब हम इनको भी निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालते हुए अपनी किशमिश को भूनेंगे। इसमें ये देखिए किशमिश को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ये देखिए फूलने लगी हैं। अब बस हम इनको निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स तल चुके हैं, अब हम सेम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। इसमें तेल और घी हम दोनों का ही प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास अलसी का तेल है तो आप अकेले अलसी का तेल यूज कीजिएगा, घी और तेल दोनों चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास अलसी का तेल नहीं है इसलिए हमने इसमें सरसों का तेल डाला हुआ है। इसमें घी से ज़्यादा ज़रूरी सरसों का तेल डालना है। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे ये अपना ये अजवाइन और जीरा पिसा हुआ जो है। ये अजवाइन और जीरा हम अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसमें हम कम से कम 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे भी पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सोंट पाउडर, इसको भी हम इसी के साथ भून लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम तेल में भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो अपना काजू बादाम का पेस्ट पीस के रखा हुआ है, इसको डालेंगे। और इसे भी भून लेंगे।
हम इसको धीमी आंच में चलाते हुए भूनेंगे ताकि हमारा अच्छे से भून जाए। और इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक इसमें तेल छूटने ना लगे। ये देखिए इसका हमारा तेल छूटने लगा है, ये हमारा अच्छे से भून चुका है, मसाला पूरा सिमट रहा है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। और एक चम्मच घी। और इसमें डालेंगे एक कप पानी। और इसको गुड़ को पिघलने तक चलाएंगे। इसमें मैंने एक कप पानी का प्रयोग किया हुआ है और इसको गुड़ को अच्छे से पिघला लेंगे हम। ये देखिए गुड़ हमारा पिघलने लगा है, हम इसको अच्छे से खौला लेंगे। ये देखिए इसको हमने 5 मिनट खौला लिया है, गुड़ हमारा पिघल गया है। हम इसको और 5 मिनट अच्छे से खौलने देंगे। ताकि गुड़ की एक भी गांठें ना रह जाए। हल्का सा गुड़ की गांठें हैं अभी इसमें, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और खोलने देंगे। ये देखिए अब गुड़ हमारा खोल चुका है। अब हम इसमें अपना फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए बनकर तैयार है हमारा हरेरा। हम इसको गरम गरम ही अपनी न्यू मदर्स को खाने के लिए देंगे। अरे ये देखिए बनकर तैयार हो गया है हमारा हरेरा। हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए और इसको भर कर रख लेंगे एयर टाइट डब्बे में और 15 से 20 दिन तक इसको चलाएंगे हम इसको, और न्यू मदर्स को हल्का गुनगुना करके ही खाने के लिए देंगे, तभी ये फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्री में सब्सक्राइब कीजिए शशि का किचन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।